Hello everyone, today we will study about planting. In our previous class we have studied about classification of Wheatacre, Monera protista, fungi, then fourth is planting. Today we will study about planting. पिछली क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था Wheatacre का क्लासिफिकेशन, जिसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था, जिसमें अपन ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तीन है वो स्टडी कर लिए थे. आज फोर्थ है अपना प्लांटी, उसके बारे में अपन प्लांटी और एनिमिलिया ये अपन ने वैसे कल पढ़ तो लिए थे, लेकिन इसके बारे में केवल जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ये आगे वाला है ना प्लांटी, यहाँ पे जो प्लांटिंग है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में आज डिटेल से अपन स्टडी करेंगे. तो देखो, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएट डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट लेवल है अमंग प्लांट्स, प्लांट्स का डिपेंड्स किस पे, ऑन वेदर किस पे डिपेंड है, वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएट, कि जो प्लांट बॉडी है वो अच्छे से डिफरेंशिएट है. जैसे वेल डेवलप्ड, डिफरेंशिएट का मतलब लीफ और स्टेम, रूट स्टेम लीव्स इनमें डिवाइड हो, वो वेल डिफरेंशिएट होती है. डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, उसके जो अलग कंपोनेंट्स हों. द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस विद इन इट. जो नेक्स्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का, पहला लेवल तो क्या हो गया कि प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएट, इस पर डिपेंड होगा. नेक्स्ट लेवल है वो होगा द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज. जो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है उसके स्पेशल टिश्यूज हैं, मतलब फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिज्म. तो द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस विद इन इट, कि जो डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है उसमें स्पेशल टिश्यू हैं क्या वाटर के या फिर जो अदर सब्सटेंस हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए. फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स द एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर इनक्लोज विद इन फ्रूट्स. जो फर्दर क्लासिफिकेशन है लुक्स एट द एबिलिटी, वो दिखता है कि इसकी एबिलिटी टू बियर सीड्स, जैसे कि बीज लगे हुए हों, बियर सीड्स, जिसमें सीड बियरिंग कैपेसिटी उसे बनाने की, एंड वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स, और फ्रूट्स जो हैं वो सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर बंद हों. इस पे देखो, पहला तो है डिफरेंशिएट का लेवल, डिफरेंशिएशन का लेवल जो है. फर्स्ट लेवल तो क्या है कि प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएट है रूट स्टेम और लीव्स के अंदर. दूसरा बेस बनाया है कि जो डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी है उसमें वाटर और अदर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ स्पेशल टिश्यूज हों. और नेक्स्ट थर्ड है कि जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो दिखता है कि जो प्लांट है उसके अंदर सीड बियरिंग कैपेसिटी है क्या, बीज बनाने की जो कैपेसिटी है वो है क्या, और सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर क्लोज्ड हैं या नहीं है, उस बेस पे क्लासिफाई किया गया. तो फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद थर्ड है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद फोर्थ है जिम्नोस्पर्म, और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म. देखो कैसे कैसे हैं, अभी बताती हूँ आपको. इसमें पहला तो है प्लांटी को डिवाइड किया गया, देखो थैलोफाइटा, ठीक है. उसके बाद है दूसरा ये ब्रायोफाइटा, उसके बाद है थर्ड ये टेरिडोफाइटा, उसके बाद ये इधर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद ये है एंजियोस्पर्म, ठीक है. इसको भी फाइव ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें अपन फर्स्ट सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे थैलोफाइटा. सबसे पहला है अपना थैलोफाइटा.
देखो, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएट बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। ऐसे प्लांट्स जिनकी जो बॉडी है डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, जिनकी जो बॉडी है वो अच्छे से वेल डिफरेंशिएट ना हो, ठीक है, प्लांट्स जो है जिनकी बॉडी जो है अच्छे से बॉडी डिज़ाइन है वो अच्छे से वेल डिफरेंशिएट ना हो, वो इस ग्रुप में आती हैं। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, और इस ग्रुप के अंदर जो प्लांट आते हैं उनको बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। फिर है दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। इसकी जो प्लांट्स हैं तो दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। ये जो प्लांट्स हैं ये एक्वेटिक होते हैं, मीन्स ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके? स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, और स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, दूसरा है क्लेडोफेरा और कारा, ठीक है, ये सारे हैं। इसमें देखो ये वाला है यूलोथ्रिक्स है, ये क्लेडोफोरा है, ये है वल्वा, और उसके बाद है ये स्पायरोगायरा, और ये वाला है कारा। तो इसमें एल्गी आती हैं, इनकी जो बॉडी है वो अपन अभी अभी स्टडी करके आए हैं कि इनकी जो बॉडी है वेल डिफरेंशिएट नहीं होती है, वो वाले प्लांट्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं इसमें, इसके जो प्लांट्स हैं ग्रुप के, उनको कॉमनली अपन एल्गी बोलते हैं, और ये पानी में मिलते हैं। एग्जांपल हो गए यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा, ये सारे, ठीक है। अब अपना सेकंड है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? देखो दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फीबियन वो होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल भी हों और एक्वेटिक भी हों, मतलब पानी में भी रहते हैं। और जैसे कि एनिमल जो किंगडम है, एनिमल्स जो हैं उनमें जो है उन किसको एम्फीबियन बोला जाता है? उसमें एम्फीबियन में मेंढक आते हैं। मेंढक जो है ना वो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रहता है और मिट्टी पे भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है। तो इसी तरीके से जो ब्रायोफाइटा हैं उनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। द प्लांट बॉडी इज़ कॉमनली डिफरेंशिएट टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी जो है वो किस किस में डिफरेंशिएट होती है? टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम में और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ के जैसी स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। इसलिए देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं वो नहीं होते, किसके लिए? वाटर अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, अच्छे से ये डिफरेंशिएट नहीं होती। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। फिर है एग्जांपल आर मोस, मतलब फ्यूनेरिया एंड मार्केंशिया। एग्जांपल क्या क्या है इसके? फ्यूनेरिया और मार्केंशिया। 7.6 में देखो ये वाले, ये रिक्सिया होता है एक तो, और ये फ्यूनेरिया है, ये मार्केंसिया है, ये ब्रायोफाइट्स प्लांट्स हैं, ठीक है, ये वाले। इसमें देखो इनको अब याद रखना आपको, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट होती है, इसलिए इनके अंदर कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होते वाटर और अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए, ठीक है। और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। फिर एग्जांपल है इसके मॉसेस, मतलब फ्यूनेरिया और
मार्केंसी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। थैंक यू।